अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर। मुझे बताइए आज क्या दिन है? ओके, और आज क्या तारीख है? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, विच पीरियड इज दिस? कौन सा पीरियड है? उर्दू पीरियड। विच पीरियड इज दिस? उर्दू पीरियड। जी, उर्दू का पीरियड है बेटा। जैसे आप डेली उठते हैं, एक नया दिन होता है, तो आप हर दिन को एक नाम देते हैं, ठीक है? जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। आप किसी भी दिन को ये नहीं ना कहते, हर दिन को एक ही नाम से तो नहीं ना बुलाते, पीर पीर पीर, नहीं ना। ऐसे ही जैसे हर चीज़ का एक नाम होता है, दिनों के भी नाम होते हैं। और आज हम लर्न करेंगे, आज हम पढ़ेंगे, कॉपी वर्क में लिखना सीखेंगे दिनों के नाम। आइए एक नज्म पढ़ते हैं दिनों के नाम पे। चलिए स्टार्ट करें। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। जी डियर स्टूडेंट्स, हफ्ते के दिनों के नाम आज हम लिखेंगे और सीखेंगे कि कैसे राइट करते हैं इनको। अब ये देखिए, सबसे पहले हफ्ते का दिन जो होता है वो होता है पीर, पीर, पीर। उसके बाद देखिए मंगल, मंगल, मंगल। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? बुध, बुध, बुध। उसके बाद देखिए जुमेरात, जुमेरात, जुमेरात। जुमेरात के बाद क्या आता है? जुमा, जुमा, जुमा। जुमे के बाद हफ्ता, हफ्ता, हफ्ता। और हफ्ते के बाद जी इतवार, इतवार, इतवार। जी डियर स्टूडेंट्स, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार हमारे हफ्ते के दिनों के नाम हैं। और यही हमारा आज का उनवान है बेटा। अब हम उनवान देखते हैं। हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम। जी, हफ्ते के दिनों के नाम आज हम लिखेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे पीर। क्या लिखेंगे? पीर। फोर लाइंस होती है नोटबुक पे, हमारा नोटबुक वर्क है। गौर से देखिए, पे की छोटी शक्ल बनाते हुए सेंटर की टू लाइंस में, देन ये, और फिर उसके बाद आपने रे बनाना है। पे, ये, रे, पीर। पीर के बाद आता है मंगल। जी, मंगल की छोटी शक्ल मीम की छोटी शक्ल, देन नून की छोटी शक्ल, उसके बाद आपने गाफ बनाना है, और गाफ के साथ लाम फोर्थ लाइन को टच करता हुआ। मीम, नून, मंग, गाफ, लाम, गल, मंगल। दोबारा देख लीजिए, मीम की छोटी शक्ल सेकंड लाइन को टच करते हुए नून बनाएंगे, नून की छोटी शक्ल के साथ गाफ और लाम मिला के मीम, नून, मंग, गाफ, लाम, गल, मंगल। पीर, मंगल, और उसके बाद क्या आता है? बुध। बे की छोटी शक्ल को दाल से मिलाएंगे और उसके बाद दो चश्मी हेल बनाएंगे ऐसे, ठीक है? दो चश्मी ये कैसे बनाते हैं? स्लांट लाइन लगाई, अगर आपने इजी तरीके से सीखना है, स्लांट लाइन लगाई जो कि सेकंड लाइन से ऊपर निकल रही होगी, और इधर से इसको राउंड करके बनाए और इधर से बनाए, ये देखिए, ठीक है? परेशान नहीं होना ऐसे, आप बेपेश बू दाल है बुध। उसके बाद आता है जुमेरात। जुमेरात को जीम की छोटी शक्ल को मीम से मिलाना है, तो हम जीम की छोटी शक्ल को फर्स्ट टू लाइंस में बनाएंगे, क्योंकि हमने फिर इसको मीम की छोटी शक्ल एंड देन आइन, जीम, मीम, आइन, जुमे, रे, अलिफ, रे, अलिफ, और देन ते, जुमेरात। जीम की छोटी शक्ल, उसके बाद मीम, फिर आइन की छोटी शक्ल, ये आइन है। जब वह लफ्जों के दरमियान में लिखा जाता है तो आयन की छोटी शक्ल हम ऐसे बनाते हैं बेटा, उसको आगे लेके गए, देन रे, और फिर उसके बाद अलीफ और तेन, जुमेरात। जुमेरात के बाद हम लिखेंगे जुमा। जुमेरात का जैसे जीम की छोटी शक्ल थी, ऐसे जुमे की छोटी शक्ल मीम एंड देन आयन, जुमा, जीम, मीम की छोटी शक्ल, आयन की छोटी शक्ल, और देन ही, जुमा। उसके बाद देखिए हफ्ता। हफ्ते के लिए हे की छोटी शक्ल को हम ऐसे लिखते हैं, हे, फिर उसके बाद हमने फे बनाना है, फे, हे, फे, हफ, सॉरी बेटा इसको, हे,
हफ्ता, हे फे हफ्ते ता हफ्ता। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे इतवार, अलिफ ते की छोटी शक्ल को वाव से मिलाते हुए, देन अलिफ और देन रे, इतवार। मेरे साथ आप रिपीट करें, पे ये रे पीर, पीर। मीम नुन मंग गाफलंगल मंगल, मीम नुन मंग गाफलंगल मंगल, मंगल। बेपेशबू दाल है बुध, बेपेशबू दाल है बुध, बुध। जीम मीम आयन जुमे रे अलिफ ते रात, जुमेरात। जीम मीम आयन रे अलिफ ते जुमेरात, जुमेरात। जीम मीम आयन है जुमा, जीम मीम आयन है जुमा, जुमा। हे फे ते हे हफ्ता, हे फे ते हे हफ्ता, हफ्ता। अलिफ ते वाव अलिफ रे इतवार, अलिफ ते वाव अलिफ रे इतवार, इतवार। पीर मंगल बोल, जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार। जी बेटा, ये आपका नोटबुक वर्क था, यानी कि कॉपी वर्क था। सबसे पहले आपने कॉपी पैटर्न के अकॉर्डिंग डेट राइट करनी है, जीम काफ कब लिखना है, और फिर दिन को लिखना है कि आज कौन सा दिन आप ये काम करने लगे हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।